अल्गी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है और कई अलग अलग जीवों को शामिल करता है। समुद्रों, नदियाँ और झीलों से लेकर तालाबों, खारे पानी और यहाँ तक कि बर्फ तक के वातावरण में अल्गी मौजूद है। अल्गी आमतौर पर हरे होते हैं, लेकिन वे विभिन्न रंगों में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्फ में रहने वाले अल्गी में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जिससे आसपास की बर्फ को एक विशिष्ट लाल रंग मिलता है। अल्गी को मुख्य रूप से एक्वेटिक, फोटोसिंथेटिक और न्यूक्लियस बियरिंग ऑर्गेनिजम्स के समूहों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिनमें प्लांट्स के ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की कमी होती है। फंजाई सिंगल सेल या वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। फंजाई आसपास के किसी भी बस्ती में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे जमीन पर रहते हैं, मोस्टली सॉइल और प्लांट्स पर, बजाय के समुद्र और फ्रेश वाटर में। फंजाई को क्लासिफाइड किया जाता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन क्या आपको पता है फंजाई का क्या यूज होता है? नंबर वन, रिसाइकलिंग। फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेड एंड डिकेड मैटर के रिसाइकलिंग के लिए। नंबर टू, फूड। मशरूम की प्रजातियां खाने योग्य होती है, जो कि कल्चर्ड होती है और ह्यूमंस द्वारा फूड के रूप में उपयोग की जाती है। नंबर थ्री, मेडिसिन। कई फंजाई है जिनका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने के लिए मनुष्य और जानवरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक कॉमन फंजाई पेनिसिलिन से प्राप्त होता है। नंबर फोर, बायोकंट्रोल एजेंट। नंबर फाइव, फूड स्पॉइलेज। बैक्टीरिया, जिसे जर्म्स भी कहा जाता है, एक सूक्ष्म जीव है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। बैक्टीरिया गर्म पानी से लेकर बर्फ तक कई तरह के वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, लेकिन अधिकांश बैक्टीरिया उपयोगी साबित होते हैं। वे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के जीवन के कई रूपों का समर्थन करते हैं और उनका यूज इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल प्रोसेसेस में किया जाता है। बैक्टीरिया फूड के रूप में अधिकांश ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उपयोग करते हैं और कुछ बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। मानव शरीर में कई बैक्टीरिया होते हैं, खासकर पेट और मुंह में। बैक्टीरिया सरफेसेस पर पानी, मिट्टी और भोजन जैसे पदार्थों में पाए जाते हैं। वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो केवल एक ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट होता है। वायरस एनिमल्स और प्लांट्स से लेकर सूक्ष्म जीवों तक बैक्टीरिया और आर्किया सहित सभी जीवन ग्रुपों को संक्रमित करते हैं। वायरस बैक्टीरिया से काफी गुना छोटा होता है, इसलिए उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसमें वायरस का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वे अमीबा से लेकर कई अलग अलग साइज और शेप्स में आते हैं, जो अपने साइज को फिक्स शेप और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ पैरामेशियम में बदल सकते हैं। प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरमेंट्स और सॉइल सहित विभिन्न आवासों में रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइटिक है, मीन्स वे ह्यूमंस के साथ अन्य प्लांट्स और एनिमल्स में रहते हैं, जहाँ वे बीमारी का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण बनता है। वे मोटाइल है और इनके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। प्रोटोजोआ नॉन फोटोट्रॉपिक यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। 65,000 से अधिक प्रजातियों का यह विविध समूह आमतौर पर इन बुनियादी विशेषताओं को साझा करता है।